हेलो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी सेकेंड काउंसलिंग रिजल्ट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सेकेंड कॉलेज का अलॉटमेंट जो है कब होगा और जो सीटें हैं उनमें क्या बढ़ोतरी होगी नहीं होगी, सेकेंड लिस्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है और फाइनल कट ऑफ अंक क्या रहने वाला है। तो सेकेंड लिस्ट का जो भी इंतजार कर रहे, जो भी स्टूडेंट को इंतजार है कि मुझे सेकेंड लिस्ट में जो है श्योर यहाँ पर नंबर आ जाएगा, मेरे इतने नंबर है, मैं इस कैटेगरी से है तो मेरे इतने नंबर है, तो इस नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सीटें कितनी कम है, कितनी सीटें हैं, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले तो यहां पर आप देख सकते हैं जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वो अपवर्ड मूवमेंट को लेकर है। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट कर रहे हैं कि मुझे जो है कॉलेज चेंज करवानी है, तो उनके लिए ऑफर है। यहां पर आप देख सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट के लिए ऑनलाइन जो सहमति की जो अंतिम तिथि है वो यहां पर कल तक थी, जिन्होंने भी आवेदन कर लिया है। अब इसमें क्या बढ़ोतरी होगी डेट में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, डेट में बढ़ोतरी हो सकती है। और यहां पर ये कल फाइनल अपडेट थी, यानी फर्स्ट काउंसलिंग का जो यहां पर प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस थी, उसको यहां पर कल तक जो है समाप्त कर दिया जाता है। कल तक जो भी यहां पर वर्क था हो चुका है। अब बात करें कि सेकेंड कॉलेज का अलॉटमेंट कब होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट हो रहा है। तो यहां पर फरवरी, ठीक है, यहां पर आ रहा है फरवरी 2023 के फर्स्ट वीक में ही जो है यहां पर राजस्थान बीएसटीसी सेकेंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट होगा, यह फाइनल जो है यहां पर अपडेट रहने वाला है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि जो सीटें हैं उनमें क्या बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि 2000 लगभग जो है 2400 सीटें हैं, ठीक है, प्लस जो है यहां पर सीटें बसी है सेकेंड स्टूडेंट जो है, जो सेकेंड कॉलेज अलॉटमेंट होगा, यानी 2400 सीटों पर ही होगा, यानी 2400 सीटों पर, यानी 2400 स्टूडेंट को जो है यहां पर कॉलेज मिलने वाली है। तो यहां पर क्या इन सीटों में बढ़ोतरी होगी, तो लगभग यहां पर कोई चांसेस नहीं है कि अब सीटों में बढ़ोतरी होगी। अब जो भी कॉलेज जितनी भी सीटें हैं उन पर सेकेंड जो काउंसलिंग का जो है यहां पर अलॉटमेंट जल्द कर दिया जाएगा। अब 3-4 फरवरी के बीच में कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा और उनके सीटों पर कॉलेज एडमिशन दे दिया जाएगा। सेकेंड काउंसलिंग की यहां पर प्रक्रिया समाप्त होने के बाद इस सेशन का कंप्लीट जो है यहां पर कोई थर्ड लिस्ट जारी नहीं होगी और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ 400 प्लस ही रहने वाली है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, और यहाँ पर ओबीसी जो फीमेल जो कैंडिडेट है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं 390 पर आपको सिलेक्शन मिल सकता है, लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 400 होना आवश्यक है। ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल जो कैंडिडेट है तो उनके 300 प्लस नंबर है, तो आप जो है जो वेट कर सकते हैं सेकेंड काउंसलिंग का कि आपका नंबर आ जाए, बाकी बहुत ही जल्द कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, सेकेंड काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। बाकी जो भी अपडेट रहेगा आप सभी को टाइम टू टाइम हमारी वेबसाइट चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ